नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनितावाद। साथियों, मध्य प्रदेश से लगातार बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिस प्रकार से मैंने कल आपको बताया कि मध्य प्रदेश में बरग टीम सहित कई बड़े घोटाले व्यापम द्वारा कराए गए हैं, या व्यापम की जो साठगांठ में जो दलाल हैं, जो नेता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में अपने ग्रोह सक्रिय कर लिए हैं और इसका खामियाजा प्रदेश के कम से कम 15 लाख छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जी हां साथियों, आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से छात्र उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में जिला मुख्यालय पर छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। साथियों, आपको बता दूं कि छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि व्यापम वर्ग तीन के पेपर के जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर कैसे आए, इसमें किसका हाथ है, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए छात्र पूरे प्रदेश में मांग कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जिस प्रकार से रिजल्ट दिया गया है और व्यापम द्वारा रिजल्ट जारी करते वक्त छात्रों के लिए कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है, न तो उनके मार्क बताए गए हैं, न नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क बताए गए हैं, न ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया गया है। मतलब भरा गया है, हम लोगों को क्वालिफाई नहीं किया गया, 71 नाम से फिर भी क्वालिफाई नहीं किया गया है, और 56 वाले लड़के को क्वालिफाई किया गया है। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का नॉर्मलाइजेशन है? हमें नॉर्मलाइजेशन बताया जाए कि किस माध्यम से हुआ है, हमें कट ऑफ बताया जाए कि कितनी कट ऑफ गई है, हम कितने नंबर से रह गए, हम अपने घर वालों को क्या जवाब दें? 4 बजे तक सुबह पढ़ाई की है, हम क्या जवाब दें? 12 लाख रुपए देकर एक लड़के का सिलेक्शन ऐसे ही करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि हम पे पैसे नहीं है, तो हम क्या जाएं, कहां जाएं? हम लड़कियां पैसे भी नहीं निकल पाते। हमारे ग्राउंड में एक लड़की आती है, बरई से आती है सुबह 5 बजे, अकेली बस में आती है। अब उसको उसकी कोई जिम्मेदारी ले रहा है? सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि वो कहां से आ रही है? उसके साथ बीच में कुछ हो जाए बस में तो सरकार जिम्मेदारी ले गई? वो 5 बजे सुबह उठ के आ रही है, ग्राउंड में आ रही है, कोई भी लड़की, कोई भी उसके घर परिवार वाले नहीं आ रहे हैं, ये भी जिम्मेदारी लेगी उसकी? हमें पूरी कट ऑफ दी जाए कि हमारा जनरल गर्ल्स का कितने से हुआ है, हमें पूरी कट ऑफ दी जाए, हमें लिस्ट दी जाए कि वो 5 लड़कियों को कितनी लड़कियों को भरा गया है, हमें वो लड़कियों की लिस्ट दी जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है? आपने जो ज्ञापन दिया है, यदि आपकी मांगे नहीं मांगी, अगर मांगे नहीं मांगी गई, हम चंबल की सेनी है, आग लगा देंगे, चंबल की सेनी है, हम आईटीआई लगाएंगे ऑफिस में जाके। साथियों, आपको बता दूं, इन्हीं सभी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के छात्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर व्यापम के मुख्यालय पर पहुंचकर छात्रों ने ये मांग उठाई है। व्यापम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और आगे की रणनीति क्या होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने कल भी आपको बताया कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इस घटना को बहुत ही हल्के में ले रही है। आज की बात करें तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के मुख्यालय पर हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मीडिया के साथी नहीं पहुँचे हैं, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अगर इस देश में या किसी प्रदेश में किसी पार्टी विशेष की सरकार होती है, जो न्याय का मापदंड है वो बदल जाता है। अगर अन्य प्रदेश में अन्य किसी पार्टी की सरकार है तो न्याय का मापदंड अलग होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से लगातार 2006-07 के बाद व्यापम में घोटाले सामने आते गए हैं, अब तक किसी भी दोषी को कड़ी सजा नहीं मिली है। केवल खानापूर्ति के नाम पर जो इनके दल्ले होते हैं, जो इनकी टीम के सदस्य होते हैं, इन दलालों की अरेस्टिंग से इनके ग्रोह पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे दलालों को ये पैसे देकर भी अंदर जेल में पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, कल से जो सोशल मीडिया पर बरग तीन का पेपर के स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहे हैं, उसमें किसी लक्ष्मण सिंह का नाम सामने आ रहा है। उसकी आशंका
मुख्यमंत्री के आवास में पदस्थ एक कर्मचारी के रूप में बताई जा रही है। लक्ष्मण सिंह नाम के पदाधिकारी द्वारा भी मीडिया के सामने बयान आया है कि ये और कोई लक्ष्मण सिंह होगा, हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। अब साथियों, अगर कोई भी अपराधी हो तो क्या वो अपने मुंह से कबूलेगा कि मैं अपराधी हूँ? तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं मीडिया के इस रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि क्या इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर्मचारी ही नहीं बल्कि खुद शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार इसमें संलिप्त हो सकता है। शायद इसीलिए जो देश की मेनस्ट्रीम मीडिया है वो इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम खबर दिखाएंगे तो सवाल भी करने पड़ेंगे और सवाल अगर करने पड़ेंगे तो वो सीधे शिवराज सिंह चौहान पर जाएंगे। आंदोलन कर रहे छात्रों से आज व्यापम द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, व्यापम द्वारा कहा गया है कि आपकी मांगों का निराकरण 7 दिन के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन 7 दिन के अंदर व्यापम कितना निराकरण करने में सक्षम होता है या नहीं, ये निष्पक्ष निराकरण करता है या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि जिस परीक्षा की जिम्मेदारी व्यापम या किसी संस्था द्वारा दी गई हो और वही उस मामले की जांच करे तो निष्पक्ष रूप से हो जाए, ऐसा होना असंभव है। लेकिन फिर भी व्यापम ने कहा है कि 7 दिन के अंदर आपकी मांगों का निराकरण करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें दोषी कौन आता है और कौन नहीं आता। परीक्षा नियंत्रक हैं आप? अच्छा मैम, आपसे ये पूछने आए हैं कि वर्ग 3 का जो काम हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनको बुलाएंगे, पहले इनसे बात तो कर लेंगे। क्या बात तो कर लो, बात कर लो पहले एक बार। एक मिनट मैडम, क्या आवाज जा रही है? प्रश्न पत्र लीक का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम प्रक्रिया हम लोगों को मालूम है। नहीं तो आप बताइए, आपने दो दो कंपनियों को टारगेट यहाँ पे दिया एग्जाम कराने के लिए, तो वो कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां जो पहले भी फ्रॉड कर चुकी है, उनको क्यों दिया आपने उनको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी? कौन सी कंपनी कर रही है अभी? NCERT थी, उसको हटा दिया बनना। अब अपनी एग्जीक्यूटिव आई, उसके भी आपने साइन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, ये क्यों हो रहा है आप बताइए। दूसरा हमारा सवाल है कि जिस परीक्षा हॉल में पेन तक नहीं ले जा सकते, उसमें मोबाइल ले जाके स्क्रीनशॉट क्यों लेंगे आप? कैसे लीक हुआ मैडम? कोई शादी की पत्रिका थी क्या? किसी की जांच की जा रही है। कब तक होगी जांच? जांच कब तक होगी आप बताइए? आप ये बताइए मैडम। वही छात्रों का इस आंदोलन करने के बाद, अपनी मांग व्यापम को बताने के बाद छात्रों ने आंदोलन किया है कि 2 अप्रैल को एक नई रणनीति बनाई जाएगी। 7 दिन के अंदर छात्रों की मांगों का निराकरण नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आने वाले आंदोलन की भूमिका 2 अप्रैल को बनाई जाएगी। तो साथियों, आपको क्या लगता है, व्यापम निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करेगा? अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना न भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।